हम इसलिए चाहते हैं सब भाई सही रहे, सब भाई एकता रहे, सब भाई मिलावट रहे। दिक्कत बहुत है, कहीं किसी को मारता है, कहीं किसी को डंगाता है, कहीं किसी को पुलिस कुछ करता है, और नेता का घर में दारू रहता है तो पुलिस को सस्पेंड करता है। पहले खाता खुलाओ, 5000 करके रुपया देंगे। तेजस्वी यादव होली के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का। कहेंगे कि अरुआ चावल मत खिलाइए नीतीश बाबू, अभी सब उसना चावल खाने वाला है। मोदी मौत का जहर पिलाती है। छोड़ देंगे, आई एम सॉरी, कान पकड़ते हैं। जिसको देखो देख रहे हैं देशवा न्यूज। अभी मैं पूर्णिया में महागठबंधन की रैली है और सभी लोग उसी जगह जा रहे हैं, तो मैं भी कुछ लोगों से पूछना चाहती हूँ, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रैली में जा रहे हैं जी। ये इतना सारा झंडा कहाँ से लेके आए? हम लोग झंडा ना कहाँ, दूर दूर से आया। दूर दूर से क्या है आपका मकसद इस रैली में? शक्ति प्रदर्शन दिखाने का। हाँ, 2024 का चुनाव के लिए। मतलब 2024 में तो एक साल अभी, दो साल बाकी है लगता। पहले से चुनाव का तैयारी करना पड़ता है। संगठन बराबर चल रहा है, इसलिए इसमें सबको हम लोग संजोग दे रहे हैं। बाबा, आप में इतना जोश कैसे है? बोलिए। हम इसलिए चाहते हैं सब भाई सही रहे, सब भाई एकता रहे, सब भाई मिलावट रहे। ऐसा नहीं कहीं देश को विदेश बनावे, कहीं देश को खल बनावे, ये नहीं चलेगा। ये सब गरीब आदमी साथ चलेगा। तो अभी जो सरकार किसकी? अभी भी तो नीतीश कुमार की सरकार है। का सरकार है। हम लोग चाहते हैं सबका संख्या बराबर चलावे, अच्छे से चलावे। अच्छा, मतलब कैसे चलावे? अभी नहीं, क्या नहीं, दिक्कत नहीं, आ रही है? कहीं दुख है, कहीं मुसीबत है, वो नहीं चाहिए, सबके लिए बराबर। तो बिहार में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत है, कहीं किसी को मारता है, कहीं किसी को डंगाता है, कहीं किसी को पुलिस कुछ करता है, कहीं किसी को आबादी देता है, कहीं दारू बेचने का छूट देता है, कहीं दारू निगाहत करता है, कहीं दारू का सेल करता है, कहीं पुलिस को अवॉइड करता है, और नेता का घर में दारू रहता है तो पुलिस को सस्पेंड करता है। अच्छा, तो एक बात बताइए ना, इस सरकार तो नीतीश कुमार का है, तो दारू कैसे दारू कैसे से बेच रहे? दीदी, आपका सबका वही में रेट करा हुआ है। जो सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था वो अभी 1200 रुपए में। अगर 400 रुपया कर देंगे तो फिर आप उस सरकार को दे दीजिएगा? ना ना, ये झूठा सरकार है, ये झूठा है। खाता खुलाओ, खाता में पैसा देंगे। खाली पब्लिक से झूठ बोलता है, पूरा कुछ भी नहीं करता है, झूठा वादा करता है। अच्छा, 400 रुपए में सिलेंडर आ जाए तो उसे क्या हो जाए? नहीं चाहिए हमको नरेंद्र मोदी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी। क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए कि झूठा सरकार है, वादा करके। क्या क्या वादा किया? पहले खाता खुलाओ, 5000 करके रुपया देंगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार उनको होली के बाद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। होली के बाद एकदम कंफर्म कि जो नीतीश कुमार जी, देखिए ब्रेकिंग न्यूज है, इनका कहना कि होली के बाद ही नीतीश नहीं, नहीं, होली के बाद मुख्यमंत्री 23वीं ज्यादा बनने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव होली के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का। अगर बिहार को बचाना है तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। मतलब वोट तेजस्वी को वोट करते हैं और करते रहेंगे। क्या बार वोट किए हो अभी तक? मैं एक बार कर चुका हूँ। एक ही बार? एक बार क्या हूँ, मतलब इसमें क्या हुआ है? देखिए, मेरे एज के हिसाब से मैं तेजस्वी को एक बार वोट कर चुका हूँ, आइंदा भी करूंगा। लेकिन 2024 से पहले होली के बाद नीतीश कुमार खुद उसका भतीजा को यानी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करेंगे। फोटो ही नहीं, उसका भाई का फोटो नहीं है। उसका भाई है, छोटा भाई है, नहीं बड़ा है, बड़ा है, लेकिन उससे एक्सपीरियंस के हिसाब से तेजस्वी यादव को ज्यादा मान्यता दिया गया है बिहार में, ज्यादा मान्यता गया है। परिवारवाद खत्म हो गया, परिवारवाद मालूम चलता है, जो जनता के लिए काम करता है वो तेजस्वी यादव, अपना भाई को आगे नहीं। हम ओकर देखे छी, तू चाहे भी कि प्रधानमंत्री बन जाए। बाप नाग जी में हम रहे छी, आज तक होता भी नहीं छी, गोर हम बीमारी छी। ओ, किसको देखने जाए? रामविलास को। अरे बा, रामविलास पासवान? लेकिन रामविलास पासवान तो नहीं है दुनिया में, है बेटा है उनका, बेटा है तो यहाँ तो उनका बेटा नहीं आएगा। बेटा तो बीजेपी, वो तो बीजेपी में छे गए।
बीजेपी में तो हमरा से की पता आइला तोरो पते नहीं छौ नीतीश कुमार के रैली छे एकरा में महागठबंधन के एकरा में लालू यादव छे तेजस्वी यादव छे कुछ जीती चलो जैसे कुछ दे छे गरीब का नहीं दे छे अपना परेशानी करके ई रैली में घुस रहल छी का है अपना परेशान जब ओकरा बना दल को छे मांगी के मांगी के लेबे हमरा सनी के घर बिजली से बिजली घर में नहीं छे बिजली 10 आदमी 10 व्यक्ति अंधेरे में गुजारे छे आज तक कत कत के समस्या छे बकरी टोलारी टोला कत छे ई पवार का लगभग तुम्हार का लगभग पवार पवार आज तू जे जाई भी तो मिल लेबी नहीं मिलबे जा छे हमरो से समस्या कुछ हल जरूर करते अच्छा मतलब एते से आवाज देबी ओ नीतीश बाबू सुनो हमर बात लाइन नहीं छे की भाजता है नहीं है तो गरीब पर जे दया करे गरीब सारा काम गरीब पर जे दया करे उन्हीं से निन करता है तो करता ही ना तर अभी एकदम आशा में जाना छे कि प्रधानमंत्री बनवाना छे कि बनते नहीं प्रधानमंत्री जे बनते नरेंद्र मोदी ठीक नहीं छो गए दादी मोदी ठीक नहीं छे अखनी तो वही सब रात चला रहलो छे तो बढ़िया छे कि अच्छा छे बढ़िया छे नरेंद्र मोदी तब की छे खराब छे नरेंद्र मोदी अच्छा छे हां तो ओकरा तू प्रधानमंत्री देखे चाहे छी नरेंद्र मोदी के वहां से पहुंचते ओकरे ना देखबा झूठ मत बोलिए हमें झूठ की बोलबे हमें बूढ़ा वृद्धा झूठ की बोलबे तो वही तो कहलिए जिंदगी 4 दिन के होय छे तब 10 लोग जा रहे लो छे हगे तब वही ना हम पहुंचबा ई जे रैली छे ना ई रैली छे नीतीश बाबू के महागठबंधन के रैली छे ई अच्छा से जिंदगी गुजार रहल छे कितना आदमी है कि अभी भरपेट खाना नहीं मिले छे आदमी के लोन भी मिले छे की कह छै भाई ओकरा दे ले भी लोन सला ऊ कहां से देतो ओकरा नहीं दिए अच्छा तू बेचारा तरफ कैसे रह जाए छे दुनिया में अच्छा कुछ नहीं कर सके छे अच्छा जेकरा व्यवस्था नहीं छे ओकरा सरकार व्यवस्था कुछ देतै ना हेल्प करतै ना आय मौका मिल गेलो बोले ला ना मौका मिल गेलो बोले ला आय मौका मिललो रैली के बहाने एकदम रेल देना छे कितना बार एलिए गेले कुछ नहीं करे छे कुछ नहीं करे सुनी सुनी रहे छे तू तो अभी मुख्यमंत्री अभी जे रैली भ रहल छ तू जाने छी किया हो रहल छ रैली डरे छी तू ना दे छे काम ना दे डरे छी केकरो ना बते डरे छी डरे छी ने सब भेज लरवा यार बेचार दे छे सरकार भेजे छे तब ने यार बात सुना चावल खाए के मन छ तब ने कहबे यार बात में गरीब मरी रहल छ देखिए यहां का भाषा हम जानते हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि अरुआ चावल खा के इसका दांत थेथर हो गया है हमरा का चाहिए उसना चावल अरुआ चावल खा के दांत थेथर हो गया है और हम कहेंगे कहेंगे कि अरुआ चावल मत खिलाइए नीतीश बाबू अभी सब उसना चावल खाने वाला है तो उसना चावल जरूर दे दीजिएगा ए अरुआ चावल खा के दांत कमजोर क्यों करिएगा आप अरुआ चावल क्यों दीजिएगा इन लोगों को हम सब गरीब लोग कहाँ से देवे तक निकल के फ्री में देते हम सब गरीब लोग बल उठा लिए अखनी वहाँ पैसा मांगे हम सब पैसा नहीं पुरवा सके कहे लाइन काट के ला जेबे ला जेत वा ज्ञान हरम रहे एक तो किरासन तेल बंद कर दल के सरकार लाइन काट ही दल के हाँ के काट ही दल के लाइन का जे वहाँ के बिजली विभाग के आदमी के वहीं काटते फ्री में बिजली चले भी गए हाँ तो बोल रहे फ्री में चलेबे तब ना हम सब बोल ले लिए बोल लोगों की फ्री में बिजली देबे पूर्णिया जिला करो ओकरो नाम माने फ्री में देबी तो फ्री में दो देशे बिक जेते बिहारो बिक जेते तो वो नो कथिल दे छ भल्ला करासन तेल चला रे मसब गरीब लोग किरासन तेल छिन चला रे तेल तो उतने महंगा छ गे तेल में महंगे करके की करबा नहर में रहबे गरीब सिनी मरबे भल्ला में रहबे गरीब सिनी मरबे भल्ला तो पैसा कमावे छ कि नहीं कमावे छ कौन पैसा हमरा से कमाए होय छ या वो सरकार तो बहुत कुछ देलको लाल कार्ड सरकार है ला ले छ तो मसब कौन चीज के सरकार तो मजदूरी दे छ ना मजदूरी वाला छ ना कुछ करे छ गरीब केना जीता अच्छा सरकार तो लाल कार्ड देलको ह कोनो काम नहीं छह लाल कार्ड देने छह मतलब बैठ ले रहे छे भूख ले रहे छे बाल बच्चा जी सर पब्लिक का धन 2% का होता है सरकार का धन जो है वो 2 लाख का होता है तो क्या दिक्कत है आपको 2 लाख का हो गया का है पब्लिक को वही रेंज में सस्ता में देगा तभी तो पब्लिक ज्यादा खुश होगा आज 15 साल पहले ये सब रोड ना दिखता था जब हम भी जाते थे ना तो फिसड्डी रोड था गड्ढा था हमारा पब्लिक का पैसा कौन बनाया कौन बनाया है नीतीश कुमार ने बनाया है नीतीश कुमार नीतीश कुमार ने कैसे नीतीश कुमार केंद्र में नहीं मिला है फंड नहीं मिला है
ये जो फोर लाइन है ना अटल बिहारी वाजपेयी का देन, राजमंत्री बनवाया है कोई, ये नितिन गडकरी ने बनाया है, भारत सरकार ने बनाया है, कौन बोलता है? हमारा पब्लिक का है, पब्लिक का पैसा है, मेरा पैसा का रोड बना, आपके पैसे का रोड है, हमारे पैसा का, लेकिन ये कैबिनेट ने पास किया। अरे कोई कमेटी क्या, हमारा राजमंत्री क्या है, कोई ये प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री योजना नहीं है, ये सब ये नीतीश कुमार किया है, इसलिए है रैली में सुनने आए, एकदम व्हाइट व्हाइट कपड़ा, एकदम मफलर, एकदम किया है, ये एक गमछी है, एकदम रेड कलर फुल, एकदम एकदम हीरो बन के आए हुए है, किसको दिखाने आए, बोला बोला हो तू, कुछ बोला, नीतीश कुमार जो सच्चाई है, दिल में जो दर्द है वो भी बता दो, बताइए, ये इतना देखिए कितना बढ़िया मफलर है, तो हरा काहे ने लगाए, लालटेन का काहे ने लगाए मफलर, वाह गमछवा, कहने लगा ये गमछवा हरा, लेकिन हरा है, ये प्योर आरजेडी है क्या, प्योर आरजेडी कब से, 90 से, बदले भी है क्या, कभी नहीं बदलेंगे, सब बदल जाएगा नेता, लेकिन हम वही रहेंगे, तो कोई दिक्कत हुआ है, कोई दिक्कत ना, एकदम कहाँ से, एकदम भागलपुर से आए हैं, भागलपुर से पैदल आए, नहीं कोच से आए हैं, कोच यहाँ है, कौन दिया कोच, अजय मंडल सांसद, अजय मंडल दिया सहरसा का, फ्री भागलपुर का, अच्छा फ्री, और बोला कि फ्री में आए, फ्री खाना भी खिलाया, अरे वाह खाना भी खिलाया, हाँ खाना भी खिलाया, खाना खाए, चावल दाल सब्जी, कैसा था खाना, फर्स्ट क्लास था, बहुत रैली में जाते हैं किसी का खाना खराब होता है तो पूरा आधी पब्लिक गुस्साता है, मारपीट होता है खाना के लिए, जो लुक्कड़ टाइप का गुंडा टाइप का होता है वही बदनाम करता है, बाबा में जोश देखिए, मतलब आपको थकान नहीं होता है पैदल चल, एकदम पूरा उमंग है, एकदम उमंग है, का रैली तो अमित शाह भी करे तो वहाँ का नहीं गए, वो सब तोड़ लू करे देश को, मरना नहीं है, अभी तक तो नहीं बेचा है, बेचा ने क्या दिया है, भारत को एक सुई का फैक्ट्री भी खोला है, अच्छा, नरेंद्र मोदी ने, अच्छा, बेरोजगारी महंगाई कहाँ है, हाँ, है? हाँ, क्या क्या करेंगे, वो पानी पीजिए ठंडा हो जाए, नहीं नहीं पानी हम लोग ठीक है, बोल चलिए ना, चलिए ना, पानी ठीक है, पानी पीजिए, बीपी हाई हो जाए, देश में अगर पूंजीपति का ये सरकार है, हम लोगों का नहीं है, अडानी का कर्ज माफ किए 10,000 करोड़, क्या बोला अडानी का 10,000 करोड़, दुनिया बोल रहे, अखबार आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, अच्छा तो लिखते हैं, अच्छा ये बताइए कि अभी जो मुख्यमंत्री यहाँ 20 साल से हमारे नीतीश बाबू है, उन्होंने क्या किया अभी तक, बहुत कम किया है, बताइए एक काम बताइए, रोड पैरा गली कुछ इशारा उसी का देन है, और क्या, और जो 10 लाख नौकरी देने जा रहे हैं तो डेली लाठी मार रहे हैं, लाठी तो नजायज हम लोग करेंगे, तो अच्छी लगेगा, जो बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है कौन करा रहा है, कौन करा है, तो वो जो 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 अफसर है, हाँ। जो 2 नंबर अफसर है वही करा रहे पैसा लेने के लिए, नीतीश कुमार उस पे काहे ने गाज गिरा, नीतीश कुमार का कोई भूमिका नहीं है, अच्छा उसमें काहे ने उस पे गाज गिरा देते, उसको पकड़ रहे हैं, हाँ उसको पकड़ रहे हैं, बाबा पूरा एकदम सपोर्टर है, एकदम है पक्की है, गरीब भी है लेकिन सच्ची है, सच्ची है, एकदम दिल तोड़ देंगे, वतन तेरे लिए, नीतीश कुमार तेरे लिए कि तेजस्वी के लिए, तेजस्वी के लिए, रैली में जा रही हैं, हाँ जी, क्या है रैली में जाने का मन, क्यों हो रहा है मन, मन क्यों होता है रैली में जाने का, किसको देखने जा रही हैं, नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार का फैन है आप, फैन ही समझ लो जब आए हैं तो, हाँ। क्या चाहती है नीतीश कुमार से, क्या चाहते हैं नीतीश कुमार हमारे जीत जाए, हाँ। क्या चीज में जीत जाए, मतलब ये रैली का मकसद क्या है, मकसद क्या है, जो जा रहे हैं सब हमें तो पता नहीं है, हाँ मतलब पता नहीं है लेकिन जा रहे हैं, वाह देख करके, हमें पता नहीं है, कहाँ से आई है आप, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के रहने वाली है लेकिन इसको रैली का मतलब पता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को देखने आई है, माननीय मुख्यमंत्री से मेरा यही अपील है कि उससे जो है ना कोई सा कारखाना खोल दे कटिहार जिला में या पूर्णिया जिला में, और हजारों हजारों लोग बेरोजगार हैं और उसको रोजगार मिले, अच्छा अभी सब बेरोजगार है, रोजगार आज तक किसी को नहीं मिला, नहीं मिला है, अच्छा रोजगार कब मिलेगा, मिलेगा हमारे मुख्यमंत्री आए हुए हैं, उससे बातचीत, मतलब आते ही वो रोजगार दे देंगे इंशाल्लाह, इन चीजों को जब मैं देखती हूँ, आप देखिए, मैं कैमरा मैन से कहूँगी कि दिखाएं, ये विकलांग है, और मेरा घर भर खड़ा है, मैं गाड़ी भाड़ा लगा करके पूर्णिया आए हैं,
अपने पैसे से? अपने पैसे से आए हैं, नमरी पंचया भया करके पूर्णिया आए हैं नीतीश कुमार के देखने के लिए। अच्छा, आपकी जीविका कैसे चलती है? अब हम मोदी भैया नहीं देगा ना, और अभी हम घर जा रहे हैं पैदल, वहाँ से गाड़ी चढ़ रही है, कौन देगा पैसा? मैं अपना भाड़ा से जाना होगा घर। पैसा है? हम लोग नया राशन मिलता है। पैसा है आपके पास अभी? अभी पैसा है 20 रुपया 30 रुपया। आप लोग पैसा दे दीजिए तो इसको 10-10 रुपया, कोई इसके पास पैसा नहीं है। ये इस रैली में इसलिए आया है कि कम से कम इसको वो चीज मिले जो वो अपना दुख की बात बता पाए। और अगर इंसानियत है तो इनके इनको 10-10 रुपया ही दे दीजिए, इनको सपोर्ट कर दीजिए। और देखिए मेरा है किसी के पास? इतने लोग हैं बोलने वाले, लेकिन देने वाले 4 आदमी हैं सिर्फ ये। और देखिए मेरा पति भी है, एक तो हाथ नहीं है, हाथ भी विकलाम है, गोड़ भी विकलाम है। मेरा आधार कार्ड में दिखाते हूँ, देख लीजिए। आप कौन पंचायत में रहते बताइए? हम आपके बारखाल पंचायत में। कहाँ पर है वो? विजय मुखिया है। मैं मुखिया से बात करूंगी। विजय मुखिया। मुखिया क्यों नहीं करता आपको? विकलांग कोटे में तो बहुत फायदा है। मुखिया बारे में क्या जानते हैं? मुखिया कुछ नहीं करता है, मुखिया वोट लेता है अपने सरकार घर से। नंबर लीजिए, मैं मुखिया सरकार घर से पैसा आता है, मुखिया खाते हैं पीते हैं और कुछ नहीं करता है। बढ़िया है, आप मुखिया राजनीति नहीं गए होंगे? कुछ नहीं करता है, सरकार तरफ से पैसा आता है, आप जानते हैं? हम जानते हैं। आप इसके लिए लड़ेंगे? बरखाल का है, हम जानते हैं बरखाल का है, लेकिन मुखिया बहुत अच्छा है, बढ़िया मुखिया है। तो इसका क्यों नहीं आप लोग नहीं गए होगा मुखिया राजनीति? आप जाइएगा मुखिया, मुखिया घर हम देखे, मेरे घर हमारे पास है, लेकिन कुछ नहीं करता, मेरे घर के बगल में है। एक नंबर मुखिया है आपका विजय से। चलिए ठीक है, आप उस मुखिया का नंबर हमको दीजिए, हम मुखिया से बात करेंगे। और आपका जो ये काम है, मैं चाहूंगी कि अगर विकलांग है तो ये विकलांग को क्या नाम है, रोजी रोटी मिले, इसको कोई एक रोजगार मुखिया जी से दिलवा देना चाहूंगी मैं। काय के लिए जा रहे रैली में? आप बाकी नहीं है जी नहीं। काहे ला जा रहे हैं? नीतीश कुमार को देखने। नीतीश कुमार को देखने जा रहे हैं जी? कभी नहीं देखे थे? नहीं देखे हैं, देखने जा रहे। ये कहाँ पे हो रहा है? पूर्णिया। क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है? काहे नीतीश कुमार नहीं है मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार तो अब इस्तीफा देगा। मतलब इस्तीफा देंगे? मतलब नीतीश कुमार को नहीं चाह रहे कि मुख्यमंत्री बने? नीतीश कुमार को वहाँ भेजेंगे दिल्ली प्रधानमंत्री केंद्र में। लेकिन केंद्र में 24 तक तो वो है, 24 तक है तो फिर 24 में केंद्र में जाएंगे, फिर 25 में खाली होगा, तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। अच्छा, तो आप लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि मतलब तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना ही देना है? जी आ? युवा है। क्या कारण है? युवा है, युवा तो सब है, आप बताइए ना युवा होने का कारण। युवा कौन काम कर रहे हैं बताइए? विकास का काम करेंगे। तो वही है ना उप मुख्यमंत्री है, तो कौन कौन सा काम किया है दिखाइए और बताइए हमें। काम जो सब कर रहा वही कर रहा ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शक्ति प्रदर्शन है? नीतीश कुमार को केंद्र का मंत्री उसको बना के छोड़ेंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब जातिवाद ना करे और विकास पे ध्यान दे, जैसे कि हमारा पूर्णिया काफी लो क्वालिटी में है और जनसंख्या में हमारा पूर्णिया बहुत ज्यादा आती है। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। हमारा मकान खरीद लिया, हमारा भाई बेच के दिल्ली भाग गया, सीओ को दिए, उसका चेस्ट नंबर है, सीओ का है, बड़ाऊ का है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैडम हमको कहता घर खाली करो ना तो गोली मार देंगे, 3 लाख में मेरा मकान सहित ले लिया, हमको कहता खाली करो। सीओ को दरखास्त दिए जो कि नंबर दिया है केस का सीओ। ब्लॉक में खतियानी जमीन सुलेमान शाह के नाम से, वो जो है भवानीपुर में रिजवान जो है सीओ वो जाली काम करके रद्द कर दिया है खतियानी जमीन को सुलेमान शाह के नाम से, जो है वो जमीन बर्बाद कर दिया है खतियानी जमीन को टाइटल सूट। ब्लॉक में बहुत घुसखोरी होता है, गरीब लोग ऐसे मक्खी मार के चला जाता है भूखे पेट, कोई काम नहीं करता है, पैसा है दो पैसा दो यही काम करता है, बहुत घुसखोरी काम करता है ब्लॉक से, थाना से और हर जगह। ठीक,
हो गया, आप अपना लिखी शिकायत दे दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे। अब क्या हुआ? मेरा नाम मनोज दास है, घर दरियापुर थाना शकुन जिला भालपुर का। हर चीज सुविधा हमारा आलोक मुखिया जी ने दे रहा, हमारा समाज को बहुत मन था आलोक मुखिया जी ने, और उनके कृपा से रोड नाला सब कुछ सुविधा है। और यहाँ आए भेंट करने के लिए सरकार नीतीश सरकार जी का एक से कमी है जिसको हॉस्पिटल का, जो कि अश्विनी चौबे जी का भी घर दरियापुर में, उनके बहुत बार बोले हैं कि हमको हॉस्पिटल का बहुत जरूरी है दीजिए, कि उतना ध्यान नहीं दे रहा है। कृपया किया जाए सरकार ने कि हमको हॉस्पिटल चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जो है सिलेंडर का जो दाम जो बढ़ाया हुआ है 1190 टका ले रहा है, वो जो हम लोग तेजस्वी यादव को जो हम लोग जो लाने वाले हैं वो सिलेंडर का भी रेट कम कर दें। अच्छा एक बात बताइए आप हमको, सिलेंडर का दाम आपको बहुत बहुत चुभ रहा है? जी। मीट मछली खाते हैं? जी हाँ। क्या खाना पसंद करते हैं? मैं तो मटन खाना पसंद करता हूँ। मटन का कीमत कितना है? 240 टका। सर बताइए कितना मटन का कीमत? 740 रुपए किलो है अभी जी। तो इधर तो और कितना एक दिन में 2 केजी आता होगा किसी के घर में? नहीं आता होगा। 1 केजी तो आता, 1 केजी आता होगा, 1 केजी खाता होगा। और दुख नहीं दे जाता था क्योंकि मटन खाना है तो 750 रुपया पे कर देते, और लेकिन जब सब्जी की बात आती है तो हम सब्जी दुकानदार को कहते हैं कि 2 रुपया कम कर दो, कहते हैं कि नहीं। सही बात है। तो वहाँ हमको महंगाई क्यों नहीं देखते, हम मटन वाले पर क्यों नहीं आंदोलन? सब्जी खरीद आप मीट खरीदते हैं उसे आप कम नहीं करते, मछली खरीदते हैं कम नहीं करते, लेकिन सब्जी के दुकान में जितने भी लोग जाते हैं, तो मैं किसान के लिए कहती हूँ कि उनकी हक की आवाज बनिए और 10 रुपया अगर वो कहे तो 10 रुपया उसको पे कीजिए, उसको 2 रुपये के लिए उसको उकसाती मत कीजिए कि भाई 2 रुपये में खरीदेंगे नहीं तो तुम्हारी सब्जी नहीं खरीदेंगे। वो क्या होगा? थैंक यू वेरी मच। ये चीज होना कोई नहीं करवाता, लेकिन सरकार मछली मीट बिकवाती महंगे से महंगे, मोदी मौत का जहर पिलाती है। वेरी गुड। लेकिन नौकरानी हो? अच्छा हम तो भाई डिजिटल भाई ला पाएगा मोदी का जूता। ये जो महारैली जो हम लोग कर रहे हैं, हर मीडिया को बिकाऊ नहीं कह सकते। अगर मीडिया बिकाऊ होती तो आज भीड़ में आप यहाँ खड़े नहीं होते और मीडिया आपको कवरेज नहीं करती। धन्यवाद देते हैं मैडम जी आपको, जो आप इतना मेहनत करके हम जनता का सरकार तक जी। देशवा न्यूज के हर बातों को और मुद्दों की बात करता है देशवा न्यूज, और देशवा न्यूज वो आम आदमी की लड़ाई खुद लड़ता है। तो आप हर को आप बिकाऊ नहीं कह सकते, कुछ लोग होंगे जैसे हमारे भी नेता में कुछ लोग तो बिकाऊ है, तभी तो आप और हम परेशान है। आने वाला जो तेजस्वी की सरकार रहेगी, आज जो अमित शाह जो चंपारण में जो है सो जीत का रैली कर रहा है, हम लोग उसको चीत करने का रैली कर रहे हैं। वो जीत का ऐलान करने से नहीं होगा, जब चीत हो जाएगा ना तब उनको दुनिया सूझेगा अमित शाह को। जी तो आप जान रहे हैं कि भाई 2024 में हमारे तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे, और निश्चित रूप से बनेगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। तेजस्वी यादव जी आपसे कितनी की सिंपैथी जुड़ी हुई है, मैं भी चाहूंगी कि आप अपने ये जो लोग यहाँ खड़े हैं, ये जो भीड़ खड़ी है वो आपको देखती है, तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि बिजली पानी सब सस्ता हो जाए तो आपके आते ही हाँ सिलेंडर भी सस्ता हो जाए, इसको बहुत दिक्कत है सिलेंडर से 1100 सबको दिक्कत है। नीतीश समाज के उसी के राज चलाने दीजिए, वह प्रधानमंत्री बन सकेगा, वही सब कर देंगे ना। ठीक है, हम लोगों की लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, हम लोग संविधान को बचाने की लड़ाई, एक देश एक पार्टी की सरकार नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है, भाई भाई की सरकार है। और हम लोग इसलिए आज मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं कि आप जल्दी से संभाल जाओ, नहीं तो वरना इस 2024 में आपका तख्ता उखड़ने वाला और उखाड़ के फेंक देंगे। अभी जो ये सरकार है केंद्र सरकार, वह जो है उद्योगपति की सरकार है, इसलिए हम लोग बिहार के आदमी चाहते हैं जो उद्योगपति की सरकार हटे और हम लोग महागठबंधन की सरकार बने। आप बताइए,
मोदी भगाओ देश बचाओ महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी भगाओ देश बचाओ महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद, देश तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, काहे जिंदाबाद, क्या किया मोदी, देश को बर्बाद कर दिया है। कैसे बर्बाद? देश में अगर बिहार में हिंदुस्तान में कोई नेता है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये नेता है, ये गरीबों का मसीहा है, इनके अंदर में हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये जोश जो है आज ही भरे की मतलब वो 24 ये जोश आज 15 साल से है, 24 घंटा है। अगर देश में कोई नेता है तेजस्वी लालू यादव नीतीश कुमार, गुटका गुटका तो अब खाते हैं, थोड़ा टेंशन है तो क्या कीजिएगा। जो देश की स्थिति है वो वाकई पर एक सवालिया निशान है, उसमें पूरा देश, पूरा देश इससे परेशान है। आज तेल का, पेट्रोल का महंगाई से त्रस्त है, सरसों का तेल बढ़ गया, पेट्रोल का इनके आने से वो कम हो जाएगा, बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल कम होगा, इसलिए कम होगा कि हम देखिए, हम तमाम भारत वासियों से एक विनम्र आग्रह करते हैं कि अगर आपको अपना देश बचाना है, संविधान बचाना है, भारत का अस्तित्व को बचाना है तो एक मुस्त होकर के महागठबंधन की तरफ आइए और सब हम सब लोग अपना जी जान लगा करके महागठबंधन के लिए चंदा दे करके जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे और महागठबंधन का सरकार बनाएंगे। देखिए हरा हरा पट्टी, सब हरा हरा गमछा अपना पैसा से खरीद के आए हो, ये हरा हरा अपने पैसा से आए हैं। हम गया गए थे पूर्णिया पुलिस लाइन का प्राइवेट ड्राइवर है, हमको नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, फिर भी आप हम नौकरी करना चाहते थे हैं, क्यों खाते हैं छोड़ देंगे, I'm sorry, कान पकड़ते हैं। जिसको देखो वही, जिसको देखो वही गुटखा खा के यही सड़क पे थूकता है और फिर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री को दोष देता है, इसमें क्या गलती है? नीतीश चाचा मेरा ही है, वो मेरा ही रहेगा, उन्हीं का सरकार रहेगा, आज के बाद गुटखा नहीं खाएंगे। 2012 सब खाएंगे गुटखा नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं खाएंगे। ये पाइप लगा के हटा के बताइए, पाइप में गाना बज रहा है मैडम, गाना बज रहा है, वाह गाना ही बजा पर जवाब दे रहे हैं। ये मोदी जी से हम लोग का आग्रह है कि हम लोग बेरोजगार के लिए, कितना उम्र है आपका? हम लोग का उम्र है 21 साल हो गया है, 21 साल, 21 साल, 21 साल, हाँ 21 साल, 21, तो हम लोग के लिए वैकेंसी लगा कि आप 35 साल के हैं, नहीं ना 40 साल का बोलिए ना। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं रोजगार दे, और प्लस में मोदी जी का नारा था ना, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कब होगा? जब आपको एग्जैक्ट आंकड़ा होगा तब ना सबका साथ सबका विकास होगा। इसलिए माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री निवेदन है कि जल्द से जल्द जातिवार जनगणना कराइए और एग्जैक्ट आंकड़ा पेश कीजिए देश के सामने और उसके अनुसार सबके लिए बनाइए। जाति जनगणना की बात करते हैं तब तो बहुत आप आग लगाने का काम करते हैं, आग लगाने का काम करता है वो लोग, जब हिंदू मुस्लिम करता तो आग नहीं लगता है उसे देश में, खुले मन से बोलता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो देश के संविधान पे आघात नहीं होता है, आघात होता है ना, तो जब उन लोग मुद्दा से भटकाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई 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 भाई, जब वो लोग मुद्दा से भटकाता है देश को, संविधान का विरोध करता है, तो क्यों नहीं आप लोग उसका विरोध करते हैं? हम हमेशा विरोध करते हैं, तो हम भी विरोध उसका करते हैं, लेकिन जातिवादी जनगणना से एग्जैक्ट आंकड़ा सरकार के पास आएगा। जातिवाद जनगणना होना क्या गलत है? क्या एग्जैक्ट आंकड़ा देश के सरकार के पास नहीं होना चाहिए? तो मुस्लिम के भी पास होना चाहिए, हिंदू के भी पास होना, सबका जातिवाद जनगणना होना चाहिए। जातिवाद जनगणना जब आएगा तब ना सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का जो नारा है। आप चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए? आरक्षण क्यों खत्म होगा? आरक्षण जो जितना दिया गया उसको तो अभी तक पूरा नहीं किया गया, अगर ईमानदारी पूर्वक लोग किया होता तो आरक्षण का जरूरत ही नहीं रहता। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आर्थिक बंटवारा हुआ है, एक बार बताइए, देश के 15% लोग, 81% इंडियन एक्सप्रेस अखबार का रिपोर्ट है कि देश के 15% आबादी के पास 81% धन संपदा है, देश मुट्ठी भर लोग जो है मलाई खा रहा है देश का, ऐसे में देश का विकास होगा। तुम दारू पी के आए हो ना? देखो मान आप मेरे में कृपा के देख लीजिए, नहीं पिया हूँ, लेकिन मुंह में गुटखा खाए हो, दांत खराब हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, सीने में प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई सरकार काम नहीं देगी, माँ बाप का आज भर चलेगा, आज भर पीछे देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है और आज पूर्णिया में जो महागठबंधन की रैली हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं मुझे भी लग रहा है कि लाखों की भीड़ है और ये लाखों की भीड़ आप देख सकते हैं बहुत लंबी सड़कें जाम है और यहाँ गाड़ी का आवागमन बंद है और मैं भी 2 किलोमीटर पैदल चल चुकी हूँ, कहीं ना कहीं ये लंबी जाम है और
लोगों का एक उमंग है तेजस्वी यादव के लिए, ना कि नीतीश कुमार जी के लिए। हाँ, सब चीज बेच दिया ना देश में, हवाई मार्ग, राजमार्ग, सब चीज बिक गया। अरे बिजली पानी फ्री नहीं होगा तो मोदी जी क्या बिजली पानी फ्री कर देंगे? ठीक है, मोदी आप देख सकते हैं। हाँ। आप लोग बिक चुके हैं, ऐसे मत बोलिए। हम नहीं, हम सोशल मीडिया में रुके, हम आपके पक्ष में है। चेड्डी लड़का खाली अरवा चोर बांटे छे, उसना चोर ब्लैक करे छे, अरवा चोर बांटे छे गरीब का। के बांटे छे? डीलर, डीलर बांटे छे। तब कहीं ना कहीं तो नीतीश बाबू के ना सरकार छे, दोस्त ही सब। सरकार सब सामान दे रहा है, इसमें गलत कर रहा है डीलर। आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाती है? गवर्नमेंट में कहला केकरा जबे कहला, जो प्रशासन में बैठल छे, जो डीलर छे, जो एसडीओ वीडियो छे, इनका दर्द अलग है और इनकी दर्द कहीं ना कहीं इनका दर्द जायज है, जो कहीं ना कहीं प्रशासन नोट मांगता है, हम नोट कहाँ से देंगे? सर हम हॉस्पिटल सरकारी, हमारा पति के स्ट्रोक रोग हो गया, प्रभात जी के कहे दस्तखत कर दीजिए, वृद्धा पेंशन मिलेगा, नहीं करा है। शोषित वंचित के हित में ये महागठबंधन की रैली होने जा रही है। और एक बार हो गया ये रैली 2000 आने में आने वाली चुनाव का एक ऐतिहासिक रैली होगा। आपका नाम? अंचल की आवाज। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अजहर शेख है, राजद जिला अध्यक्ष कटिहार माइनोरिटी सेल के है। और ये आह्वान, ये पुकार, ये रैली, ये गरीबों की रैली है, ये शोषित की रैली है, ये अच्छा एक बात बताइए ना, कोई है आपके अंदर जो वो जज्बात जो आप तेजस्वी जी के लिए गाना गा सकते हैं? हमारे माननीय नेता हम लोगों के साथ खड़े हैं, माननीय नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, और बहुत सारे हमारे नेता हैं जो हम लोगों के साथ खड़े हैं। और ये साथ मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री हमारे जो गठबंधन, जो हमारा गठबंधन जो तय करेगा, जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, हम लोग सारे महागठबंधन के लोग उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आप किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बने? हमारे गठबंधन तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा, किसको किसको? तेजस्वी जी को, तेजस्वी में ज्यादा। ये सबसे बड़ा फेवरेट है, आरजेडी लिख दिया इसके माथे पर, आरजेडी आरजेडी और 15 रुपया वाला। कपड़ा पर जीएसटी, पानी पर भी जीएसटी, अगर कोई ज्यादा जिससे बात करेगा उसमें भी जीएसटी लगा देगा क्या? आप जो है, आप तेजस्वी के बहुत बड़े फैन हैं, है इसके लिए क्या कहना चाहते हैं बोलिए? जितना भी आज महारैली, तेजस्वी भैया के लिए क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी भैया के लिए बहुत ही बढ़िया, ये रैली से बहुत ही बढ़िया एक संदेश देंगे और 2024 के चुनाव में ये बहु अहम भूमिका ये पढ़े लिखे हैं। ये मैं पीजी किया हूँ जी। रोजगार है या बेरोजगार? अभी तो मैं बेरोजगारी हूँ। ठीक है, 10 लाख नौकरी देने वाले, उसमें क्यों नहीं आपने अप्लाई किया? देखिए, जो नेता कर ही रहे हैं, ऐसा बात तो नहीं है कि कर ही रहे हैं और दे ही रहे हैं रोजगार, जहाँ तक है। नीतीश जी हमारे तेजस्वी जी बोले थे 10 लाख, ठीक है, और हमारे जो है नीतीश जी वो बोले हैं और भी ज्यादा अगर होंगे तो और भी दिया जाएंगे, वो 20 लाख का टारगेट। आप उम्मीद रखते हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? जी, कर सकते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी, वो तो जहाँ बिजली बिल, तुम गुटखा क्यों खा रहे हो? गुटखा खा खा के दांत समय, ये देखिए बहुत सारे लोग हैं जो तेजस्वी जी के रैली में शामिल हुए हैं। कहीं ना कहीं महागठबंधन अपनी सशक्त और शक्ति दिखाना, इसको कहते हैं शक्ति प्रदर्शन। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।